निखिल भाई कह रहे हैं कि आप लोग से विनती है स्पोर्ट्स आर फैमिली, फैमिली नाटक मत करना, यारी के साथ भी यही कहा था और फिर ये धोखा, आप सप्लायर रहो और हम कंज्यूमर। भाई देखिए यार निखिल भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच बता रहा हूं, धोखा जिसके साथ हुआ है वो बात आपको, वो कहानी भी आपको सुना देंगे और वो बात भी आपको बता देंगे, चीजें सही समय पर ही बताई जाएंगी, सही समय पर ही सही बात कही जाएगी। ये फालतू की बात कि धोखा और ये फालतू की बात कि आप लोग वहां एग्जैगरेट मत करिए। आप मैं कह रहा हूं यार, आप लोगों को अगर हम ये कहें कि भाई हमें ये कहा गया कि छोड़ दो यारी, तब आप क्या कहोगे? आपको कुछ बात तो पता है नहीं, आप बस बेमतलब में बोले चले जा रहे हो, बेमतलब में बोले चले जा रहे हो। और भैया एक चीज और है ना, कहानी नहीं पता है तो चुप हो जाओ, वक्त का इंतजार करो। आपको भी कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। अगर एक ही भाई, अगर आठ लोग सात आठ बंदे एकदम आ रहे हैं तो गलती सात आठ बंदों की नहीं, कमी देखियो। आप सबको पता, अपडेट्स राहुल हो, शुभेंदु भाई हो, हम सब हो भाई, हमें पता है, हमने जी देखी, वो जो मतलब जी जाने कर दी, वो जो फैमिली की बात करते हो, हमारा और फैमिली, देखो यार फैमिली और कमिटी आगे आगे में टाइम रहेगा यार, और बात सबसे होती है भाई, प्यार सपोर्ट हर किसी से मिलता है, लेकिन आपको कॉमन सेंस यूज करना चाहिए कि अगर सात आठ बंदे से दिमाग से जा रहे हैं तो कुछ तो मुझे रही होगी ना यार। देखो राहुल, एक सुपर चैट आई है, एमएसजी लव सर कह रहे हैं कि वो वीके का ओपिनियन था, बट केएल ऑलवेज प्लेस कंजर्वेटिव गेम फॉर फर्स्ट 6 और 7 ओवर्स, चाहे पता पिच हो, पाटा पिच हो, एंड टाइम ओपनर था नाइन अदर देन शिकी पाजी। बस यार एक बात कह रहा हूं, इस बारे में आराम से बात कर लेंगे कभी, अभी सब ये फालतू बातें मत करो कि सारी चीजें बताए कि थोड़ा टाइम हमें भी दो, आईपीएल के बाद होने दो, सारी चीजें आपको सच्चाई पता चलेगी और इसी प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर बैठ के आपको एक एक चीजें बताई जाएगी, बता देंगे, लेकिन सिर्फ आप कॉमन सेंस, मतलब की बातें मत करो, क्योंकि आप इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, सबसे हमारे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बात होती है, आप सवाल पूछते हो, बताते भाई ये वजह रही है, तो मतलब ये चीज आप कॉमन सेंस यूज कर लो यार। अगर छह सात बंदे एक प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं तो भाई कुछ तो वजह रही होगी ना यार, सात बंदे गलत थोड़ी हो सकते एक साथ। तो आप लोग तो मतलब इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो जैसे हमने हम आतंकवादी बन गए यार उस तरीके से, तो भाई कॉमन सेंस यूज करो। आप ओवर एग्जैगरेट अब कर रहे हैं चीजों को, आपको खुद रियलाइज होना चाहिए। चलो ये अगला सवाल लेते हैं, एमएसडी लव कह रहे हैं वो वीके का ओपिनियन था, बट केएल ऑलवेज प्लेज कंजर्वेटिव गेम फॉर फर्स्ट 6-7 ओवर्स, चलता है पता पिच हो, दैट टाइम ओपनर दैट नहीं अदर देन शिखी पाजी, केएल को पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन है टू प्ले गुड। देखो उसी वजह से कई बार केएल राहुल का क्रिटिसिज्म भी किया है, क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि भाई आप स्लो स्टार्ट देते थे आप इस तरीके से, लेकिन सेम गोज विथ रोहित शर्मा ऑल्सो, मैंने बार बार ये बात कही है पुराने प्लेटफॉर्म्स पे कि रोहित शर्मा पर दबाव आता था, लेकिन फिर अगर आप इंग्लैंड वाला मैच देखो सेमीफाइनल में, भाई ठीक है अगर केएल जल्दी भी आउट होकर चला गया तो भी आप ये देखोगे कि रोहित शर्मा ने क्या किया उस मैच में, रोहित शर्मा ने आपको पीछे ही कर दिया ना उस मैच में, उस मैच में जहां पर आपको चाहिए था कि भाई रोहित शर्मा अगर ये कह रहे हैं कि मैं इंटेंट से खेलूंगा, मैं तेज रन बनाऊंगा, तो कहां गए वो तेज रन आपको पूरे वर्ल्ड कप में नहीं दिखे, वो तेज रन आपको एशिया कप अगर आप छोड़ दो तो किसी एक पारी में नहीं दिखे, एशिया कप की एक श्रीलंका वाली पारी रोहित शर्मा का ठीक है इंटेंट वाले जो आपने बात की, पर खेल को लेकर जो भाई ने बोला सवाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा टी20 में जायज भी है कि जब आप उसे उम्मीद कर रहे हो बड़ा मैच आए, आप हमेशा देख लेना आप ये केएल राहुल के भी मैंने पारियां बताई थी ना, ये केएल राहुल की पारियां अधिकतर आपको दिखेंगी पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स का केएल राहुल एक डरा हुआ केएल राहुल लगता है, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जब केएल राहुल खेलते हैं आपको उनके ऊपर बहुत सारा दबाव नजर आता है, ऐसा लगता है जैसे ये खिलाड़ी ये सोच रहा है कि अगर मैं आउट हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, मैं आउट हो गया तो कुछ नहीं है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। विपुल भाई की सुपर चैट आई है, वो कह रहे हैं कि रोहित सर वी लाइक यू वर्क, वी सपोर्ट यू ऑल, थैंक यू सो मच भाई, आप ऐसे अप्रिशिएट, भाई देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको सारे आपको ओ करते हैं हम जिम्मेदारी, आपको हम आपको सच बताना हम अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन वक्त आने पर ही सारी बातें कही जाएंगी। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि आप जिसे कह रहे हैं कि आप धोखेबाज हो, आप जिसे कह रहे हो कि आप गद्दार हो, आप जिसे कह रहे हो कि हमने कोई भाई कोई देश अगर मैं गया हूँ, राहुल गया, आकाश तो कारण होगा ना, तो कोई तो वजह होगी, ऐसे तो नहीं सब मुंह उठा के चले गए कि भाई पैसा यार वहां पर, मैं कह रहा हूँ दिन रात हमने वहां पर एक करिए, मनोज भैया का एफर्ट, धीरे भैया का एफर्ट, हम सबका एफर्ट, रोहित भैया का, आकाश भैया का, सबका एफर्ट, रात को आपको अपडेट दी, सुबह आपको अपडेट दी, दिन देखिए रात ना सुबह देखिए ना शाम, कल भी फैमिली थी, आज भी फैमिली और आगे भी फैमिली रहेगी, और ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया तो हमारे कॉन्टेक्ट खत्म हो गए, भाई सबसे बातचीत होती है, सबसे सपोर्ट मिलता है, लेकिन आप लोग अगर दिमाग का यूज करोगे तो भाई आपको भी सच्चाई जल्द पता चल जाएगी। बस यही है कि आगे से बस आप इस चीज पे ध्यान दीजिए,
लीजिए कि यहाँ क्रिकेट पर बात करते हैं, कैसे हो रही है, क्रिकेट पर बात करते हैं और इन चीजों पर, इन चीजों की तरफ नहीं जाते। जो हमारे साथ जुड़े तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना मत बिल्कुल भूल। प्लीज जो हमारे भाई 1200 आप लोग जुड़े हुए, इनमें से काफी भाइयों ने भी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज यार आप सब्सक्राइब करो और जिस तरह के आप सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए यार सबकी तरफ से भाई थैंक्स। बिल्कुल चैट आइए जी। निखिल भाई कह रहे हैं कि रोहित भाई आप गुस्सा मत हो, आपको हमेशा सपोर्ट किया है और आगे भी करेंगे, बट अचानक से छोड़ना बिना कुछ बताए तो हम लोग को धक्का लगा है। भाई आपसे बड़ा धक्का हम लोगों को लगा है, बस है ना, हम लोगों के करियर दांव पर थे, हम लोग कहां से छोड़कर आए थे आप लोगों को कहानी पता है सारी की सारी ना, इंडिया टुडे जी न्यूज सब बहुत अच्छे सेटल थे अपनी जिंदगी में और कहां से क्या। गुस्सा नहीं कर रहा हूं, बस फ्रस्ट्रेट इस चीज को लेकर के हो रहा हूं कि आप लोग हम पे भरोसा नहीं कर रहे। मतलब ठीक है अचानक से सारी की सारी चीजें बदल गई पलट गई, उसके पीछे एक बड़ी वजह है और वो बड़ी वजह आपके सामने भी आ जाएगी, लेकिन हम सीधे तौर पर ये बात अभी कह रहे हैं कि अभी आप इन चीजों पर फोकस ना रखो, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर 7-8 लोगों ने एक कदम उठाया है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह रही बिल्कुल है। और वो बड़ी वजह समय आने पर आपके सामने भी साझा कर दी जाएगी। सबके साथ ये कुशल नहीं होता, हमारी जो फैमिली हम अधूरा फील होता है शुभेंदु भाई, अगर हमारे साथ मनोज नहीं अधूरा फील होता है, हम सारे के सारे साथ में काम कर रहे होते तो क्या दिक्कत है। आज यहाँ पर रजत नहीं है, आज यहाँ पे निहाल नहीं है, भाई कह रहे हमने किसी को भी एज एन एम्प्लॉय वहाँ पे हमने कभी नहीं इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि यार आप और राहुल भाई मजाक करते थे पहले, हंसी मजाक पे चेहरे पे नहीं दिख रहा भाई, वो सारी चीजें बैक ऑफ माइंड रहती चल रही है भाई, अभी धीरे धीरे रिकवर हम भी रिकवर हो रहे हैं। और अगर आपको मतलब भाई वो दिखती है चेहरे पे हमारे भी दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके की मेहनत हम वहां पर करते थे उससे भी ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको देने की हम कोशिश कर रहे हैं, पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। चलो भाई मैच पे आते हैं, 3 मिनट में टॉस भी है, 3 मिनट में टॉस भी है, वापस आते हैं, बहुत सारी बातें हो गई है, बस इस पर और ज्यादा जवाब नहीं देंगे यार, अभी सही समय आने पर जवाब मिल, लाइक कर दो शेयर, अभी बस सपोर्ट कर लो हमें बिल्कुल, आपको ऐसा ही कंटेंट दिखेगा, आपको पता चलेगा कि यार बस काम ही काम है हमारे दिमाग में और कुछ नहीं है, तो प्लीज आप उस चीज को सपोर्ट करिए, आप अननेसेसरी इन चीजों में मत जाइए। अब शुभेंदु भाई बस 3 मिनट बचे हैं, As most likely बारिश तो नहीं होगी, नहीं बारिश नहीं, धूप भी वहां पर खिली हुई, जो कि सुबह तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था ना कि कहीं कहीं जिस तरीके से खबरें आ भी रही थी कि वहां शायद बारिश हुई भी थी, तो उस तरीके से था, चलिए अच्छी बात है कि पूरा मैच हो पाएगा। और यार अच्छा अपडेट जो है राहुल की, वार्नर स्प्रिंटिंग नियर द साइड विकेट, एलेक्स कैरी प्रैक्टिसिंग हिज कीपिंग, तो मोस्ट लाइकली खेलेंगे, वार्नर और एलेक्स कैरी मोस्ट लाइकली आ ही रहे हैं, जॉश इंग्लिश की जगह तो कैरी, लेकिन क्या लबुशैन को आज बाहर करेंगे ऑस्ट्रेलिया, जो कि लग रहा है एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। रोहित भैया क्या लग रहा है आज को, मतलब आज हम यही देख रहे हैं कि देखिए टॉस का भी समय हो गया है, लेकिन आप ये बताइए कि ओवरऑल शुभेंदु भाई आज आपको क्या लग रहा है कि यार टॉप ऑर्डर को उस तरीके से फायर नहीं करा था, आज आपको लग रहा है कि टॉप बिग थ्री में से किसी के रन आ रहे हैं, शुभमन रोहित और विराट में से किसी का सवाल है। मुझे अभी भी देखिए ठीक है रोहित शर्मा भी है यहाँ पर, विराट भी है, पर मुझे ऐसा भरोसा जो अभी भी शुभमन गिल से जो पिछले में भी था शायद वो यहाँ पर 50 तो करेंगे ही, अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर उनका रन आएगा शुभमन गिल का भी, लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलना होगा कि विजाज में विराट के रन अक्सर आते हैं यार, उनके 3 सेंचुरी 99 उनका तो एवरेज मतलब यार लाजवाब एवरेज में रोहित और विराट आपको डकवर्थ लुईस जो है अपने पूरे के पूरे फोकस में रखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप चीजों को बेटर कर पाओगे मेरे हिसाब से, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो वही टीम हो जाती है। शार्दुल पर बात कर ली कि उनकी जगह हो सकता है कि सुंदर खेल जाए, शायद में है ये चीज, लेकिन हमने ये भी देखा कि कई बार चलिए पहले मुकाबले में शमी ने अच्छा किया, फिर भी ये रिस्क हमने लिया है टास्क के तौर पर, चलिए उनको बाहर बिठा के किसी एलेक्स कैरी है यार यहीं पर है, प्रैक्टिसिंग इज कीपिंग, बोथ आर एक्सपेक्टेड टू बी बैक, आप बताया ना डेविड वॉर्नर और एलेक्स कैरी दोनों टीम में हैं, ये भी होते हमने देखा है कि शायद उमरान मलिक को मौका मिल जाए या फिर उनादकट में से, क्या ऐसा हो सकता है अभी आप उधर जाएंगे नहीं बिल्कुल शुभेंदु भाई, ये इस वजह से हो सकता है जैसा हमने वर्ल्ड कप शमी की बात करी कि यार उनको भी अब आपको रेस्ट देना जरूरी होगा, आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार अक्रॉस फॉर्मेट्स आप उनको खिलाएं, ऑब्वियसली टी20s में तो नहीं फीचर कर रहे, लेकिन ओडे और टेस्ट में भी ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, मे बी वर्कलोड मैनेज करने के चलते आज मे बी आप यार उनादकट को ट्राई करिए ना, आपको एक लेफ्ट आर्म सीमर तो कंटेंशन में रखना पड़ेगा राहुल, आप चाहते हैं उनादकट खेले, जैसा कि भाई आपने बोला कि यार समी है, समी ने अच्छा भी करा, अब समी को ये वाला मैच खिलाओ, अगले मैच में उनादकट को आप ट्राई कर सकते हो। आकाश भाई ने बिल्कुल सही बात बोली, अर्शदीप को भी आपको थोड़ा और मौका देना चाहिए था, हाँ। यार टी नटराजन अगर चोटिल नहीं होते ना, टी नटराजन के पास इतना अच्छा मौका था ना कि अपनी टीम में जगह बनाने के लिए, लेकिन उनका वो ये ना वो हमेशा चोटिल ले आते हैं, लेकिन अभी एक ही जयदेव उनादकट, और जैसे हम बैटिंग की बात करते हैं ना, जयदेव उनादकट तो यार बैटिंग से भी अच्छा कर लेते, तो एक आपको ऑप्शन उस तरीके का मिल भी जाएगा, और यार लेफ्ट आर्म सीमर तो आपको चाहिए ना, विराट रोहित दोनों को भाई
दिक्कतें होती है आपके स्टार को, आपके आमिर हो, आपके ट्रेंड बोल्ट हो, पहले आपके लिए तो शायद उमरान मलिक ही होंगे जो जिस तरीके से नहीं, जैसे लेफ्ट आर्म सीमर की उन्होंने बात करी ट्राई करने की, उमरान मलिक को तो आपको शार्दुल से पहले खिलाना चाहिए क्योंकि आपको एक प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। ये जो आठ नंबर का वो झमेला है ना ये आपका कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर दे भाई, आप इसमें फंसते हो। एक बार पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, देखो दो दिन से विकेट कवर है जी, और आज भी अब से एक घंटा पहले विकेट कवर था जी, बारिश मतलब अब से सुबह से होती रही है, और मतलब अच्छी बात हमारे लिए ये है कि बस एक घंटा पहले ही धूप निकली और एक घंटे पहले ही जो है वो गेम टाइम शुरू हुआ है। ब्लैक सॉइल बता रहे लॉट ऑफ क्रैक है, उसमें काफी सारे क्रैक्स है, बैटिंग यहां पर आसान नहीं होने वाली है, बैटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है।